हेलो गाइस, वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल ई फैमिली। सो आज के लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, फिजिक्स फर्स्ट लेक्चर है तो इसमें बेसिक्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। आखिर फिजिक्स होता क्या है? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आखिर साइंस क्या होता है, इसके बारे में जानना है। एंड फिजिकल वर्ल्ड, हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं और जो कि मैं डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिजिक्स, फिजिकल वर्ल्ड एंड साइंस। सो फर्स्ट मैं बात करूंगा फिजिकल वर्ल्ड की। तो बात करें अगर फिजिकल वर्ल्ड की, देखिए हमारे अंदर 5 इंद्रियां होती हैं। सिंपल सी बात सभी जानते हैं, हमारे अंदर 5 इंद्रियां होती हैं जिससे हम इस यूनिवर्स को जानते हैं, एक प्रकार से इस यूनिवर्स को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी चीज को टच करते हैं तो हमें टेम्परेचर का पता चलता है। जब हम किसी को टच करते हैं तो देखते हैं इसका टेम्परेचर हाई लो, ये सब पता चलता है। एंड जो सेकेंड पॉइंट है हमारा नोज, हम किसी चीज को जब स्मेलिंग करते हैं तो इसका स्मेल गुड है बैड है ये सब हम देखते हैं। ओके, एंड जो हमारा आईज है इससे पता चलता है कहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं, कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे लाइट है कहाँ पे नहीं, कहाँ पे अंधेरा है। ओके, तो ये हमारे 3 पॉइंट्स होंगे। एंड देन अंदर पॉइंट इज टेस्टिंग के लिए होता है। अब जब हम किसी चीज को खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो हमें पता चलता है ये अच्छा है ये खराब है, गुड है बैड है। एंड अनदर पॉइंट इज हियरिंग के। जब हम किसी चीज को, जैसे कोई साउंड हमारे कानों में आती है तो हमें पता चलता है, साउंड आ रहा है। ओके, अब जब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं, मतलब इस 5 अपने अंदर जो 5 इंद्रियां हैं, इन सब के बारे में मोर एंड मोर, मतलब इन सब की नॉलेज को इंक्रीज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने सुना कोई वायु आ रही है हमारी तरफ, हम इसके बारे में स्टडी की, मतलब मैंने इसके बारे में स्टडी किया और देखा कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कैसी फ्रीक्वेंसी है इसकी, लॉन्गिट्यूडनल है या फिर ट्रांसवर्स। एंड देन फॉर एग्जाम्पल हम किसी चीज को टच करते हैं तो देखते हैं इस, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो, टेम्परेचर के बारे में फूल होता है, हीट के बारे में होता है। तो हमें जब समझ में आता है कि मतलब हमारे अंदर टेम्परेचर ज्यादा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, मतलब इन सब से रिलेटेड, तो यही सब। जब हम नेचर के बारे में स्टडी करते हैं, नेचर के बारे में जानते हैं, उसी को कहते हैं हम फिजिकल। यही हमारा फिजिकल जो हमारा है, ये हमारा नेचर है, हम भी एक नेचर के पार्ट है, हम भी एक नेचर के पार्ट है। जो बायोलॉजी होती है वो हमारे अंदर की चीज होती है, मतलब हम उनके अपने अंदर की साइंस को जानते हैं, मतलब साइंस को समझने का प्रयास करते हैं। तो जब हम इसके बारे में अपने नेचर के बारे में स्टडी करते हैं, नॉलेज इंक्रीज करते हैं, तब उसी को बोलते हैं हम फिजिकल वर्ल्ड। यही हमारा फिजिकल वर्ल्ड। एंड अगर हम साइंस की बात करें, अनदर पॉइंट इज साइंस। अगर हम साइंस की बात करें, जब हम किसी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल हमें लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट छोड़ दो, फॉर एग्जांपल हमने लैंग्वेज सीखना है तो क्या करें, फर्स्ट हम उसके एलिमेंट सीखेंगे, देन आफ्टर वर्ड्स बनाना सीखेंगे, देन आफ्टर सेंटेंस। ऐसा नहीं होगा कि हम डायरेक्ट सेंटेंस बनाना सीखें। तो जब हम स्टेप बाय स्टेप किसी को भी समझने का प्रयास करते हैं, फॉर एग्जांपल हम क्या किए, पहले लेंथ को समझे, लेंथ के साथ टाइम को कंपेयर किया, उसके बाद फिर स्पीड निकाल ली, मतलब मैंने लेंथ समझा, देन आफ्टर साइंस टाइम को एनालाइज किया, देन आफ्टर मैंने स्पीड निकाली।
उसी प्रकार से अब बात करें हम नेचर, फॉर एग्जांपल वाटरफॉल होता है, वाटर फॉलिंग होती है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम हम इसके बारे में स्टडी करते हैं, जहां पे मतलब जहां पे देखने गया मैं वाटरफॉल हो रहा था, मैं घर पे आके उसी प्रकार की स्टडी करना चाहा, बट हम उसको तो ले नहीं सकते, तो हमने छोटा सा एक प्रोजेक्ट किया, छोटा सा बनाया लैब, और उसको धीरे धीरे स्टडी करने स्टार्ट कर दिया। एंड मैंने जब मैंने स्टेप बाय स्टेप उसको स्टडी किया, तब जाके लास्ट में हमारा पॉइंट आया कि ये ग्रेविटी के कारण होता है, जो कि अपनी तरफ हर ऑब्जेक्ट को खींचता है। हम यहां पे खड़े क्यों हैं? हम इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमें एक इमेजिनरी फोर्स, जो कि हमने उसको नाम दिया है ग्रेविटी, वो अपनी तरफ खींचती है, और जब वो अपनी तरफ खींचती है तो हम यहां पे खड़े, नहीं तो हम ऊपर उठते रहते। फॉर एग्जाम्पल एरोप्लेन, एरोप्लेन उसके विंग्स जो होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, और वो सौ सौ आदमी को ले जाता है, हजारों, जितना हम बड़ा एरोप्लेन बनाएंगे उससे ज्यादा बड़े विंग्स बनाने पड़ते हैं। हम मैं गया एक एविएशन, एक एयरपोर्ट, मैंने उनसे कहा कि भाई ये जो इसका विंग्स है इसको छोटा कर दीजिए। तुमने क्या कहा, पागल हो गए, इसको छोटा करेंगे तो उड़ेगा कैसे? तो जब मैंने उनसे पूछा कि आपने छोटा क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि छोटा हो जाएगा तो उड़ेगा कैसे। तो मैंने कहा ऐसा क्या है, मतलब बड़ा होने पे उड़ जाता है, छोटा होने पे उड़ता है। उन्होंने कहा नेचर का एक फिनोमेना, जो इतने लोड को, अगर इतना वेट ले जाना है तो इतना बड़े विंग्स लगाओ, इतना ज्यादा फोर्स हमें मिलेगा। तो जब हम नेचर के बारे में स्टडी करते हैं, इनके बारे में स्टेप बाय स्टेप नॉलेज लेते हैं, और एक फॉर्मूलाज क्रिएट करते हैं, और फिर प्रेडिक्शन भी करते हैं, मतलब जब हम स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को, किसी भी नॉलेज को स्टडी करते हैं, किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी नेचर के फिनोमेना को स्टडी करते हैं, तब उसी को कहते हैं हम साइंस, मतलब स्टेप बाय स्टेप, यही हमारा साइंस। एंड देन अनदर पॉइंट इज फिजिक्स। अगर हम फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स जब हम नेचर नेचर के फिनोमेना, उनके लॉज को समझते हैं, उनके लॉज क्या होते हैं, नेचर की प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल वाटर फॉलिंग हो रही है, वाटर फॉलिंग हो रही है, तो एक प्रॉपर्टी है नेचर की जो किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है, मतलब ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही है, हमारा अर्थ जो एक गोला है वो अपनी तरफ खींचता है, वो इसकी प्रॉपर्टी है, हमने इसको फोर्स नाम दे दिया है, और फार्मूला क्रिएट कर दिया, इतना वेट पर इतनी ग्रेविटी लगती है। एंड देन जब इसके लॉज को हम समझते हैं, नेचर के लॉज को हम समझते हैं, तब उसी को हम क्या कह देते हैं, फिजिक्स। जब हम नेचर के फिनोमेना को स्टडी करते हैं, उसके बारे में नॉलेज लेते हैं, और अपने माइंड को इंक्रीज करते हैं, उनके नॉलेज को ले करके अपने माइंड को इंक्रीज करते हैं, एंड देन हम लोग बनाते हैं कुछ प्रेडिक्शन करते हैं, तो वही हमारा एक फिजिक्स बन जाता है। मतलब हम जब नेचर के रूल्स एंड लॉ को समझते हैं, पढ़ते हैं, तो वही हमारा फिजिक्स कहलाता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा फिजिक्स का सेकेंड लेक्चर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो है साइंटिफिक मेथड। आखिर हम साइंट, मतलब जब हम किसी लॉ को समझते हैं, उसके बारे में फॉर्मूला बनाते हैं, हम उसको किस प्रकार से लॉ में कन्वर्ट करते हैं, मतलब कि हम उसको किस प्रकार से कह सकते हैं कि ये हमारा एक लॉ है। हालांकि फिजिक्स की, मतलब नेचर की हर एक प्रॉपर्टी
जो होती है वो एक लाके समान ही होती है, बट उससे जो रिलेट करते हैं उसको हम एक साथ में जोड़ते हैं, वही हम लॉ बनाते हैं और उसके साथ प्रेडिक्शन करते हैं। तो देखिए फिजिक्स का सेकेंड लेक्चर साइंटिफिक मैथड, सो गुड बाय।